आगे पूरा फॉग ही छाया है, पूरा फॉग छाया है। अभी मैं हाईलाइट मार के दिखाता हूँ आपको, आपको पूरा का पूरा रेस दिख रहा होगा शायद वीडियो के अंदर। सुबह के कितने बज गए? 7:10। गाड़ी की चाबी ले लूं फटाफट। गाड़ी एकदम मस्त बराबर टकाटक धो लिए सुरेश भाई ने। मुझे ना बम्पर पे कल गाड़ी आती टोयोटा से, तो ये स्टिकर मारा था, इसको निकाल देता हूँ भाई क्योंकि ये बहुत गंदा दिख रहा है। टीपिंग वीपिंग सो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं टू शिरडी। सिर्फ मैं नहीं जा रहा हूँ शिरडी, अपनी गाड़ी में DSE ब्रांड का 150 वॉट्स का लगाया था LEDs। तो आज की जो जर्नी है ना भाई, आज की जर्नी में मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा एंड मैं अपना जो हॉनेस रिव्यू रहेगा ना भाई, वो मैं शेयर करूंगा। क्योंकि पहले मैं यूज़ कर रहा था 120 वॉट्स, वो भी मोर देन इनफ थी, नो डाउट, वो बहुत बढ़िया काम कर रही थी। तो 150 वॉट्स मार्केट में आ चुकी है एंड आई थॉट आई शुड रिव्यू इट बिफोर पीपल गो एंड बाय इट। तो आज की जर्नी में हम जा रहे हैं शिरडी। शिरडी से आगे थोड़े गाँव है लोनी करके, हम एक्चुअली वहाँ पे जाने वाले हैं। मेरा तो सिर्फ क्लाइन को ड्रॉप करना है वहाँ पे, लेकिन राहुल भाई एंड राजा भी वहाँ पे गए हैं, उनका एक्चुअली वहाँ पे फुल डे का जर्नी है, तो वो तो वहाँ पे रुकने वाले हैं। एंड व्हाइल आई कम बैक टू मुंबई तो रात हो जाएगी, एंड रात के टाइम पे भाई ये जो लाइट्स है हम इसको टेस्ट करेंगे, कुछ वीडियो क्लिप्स मैं आपको दिखाऊंगा आईफोन से जो शूट किया गया रहेगा, दैट टू इन 4K। एंड अगर आपको हेडलाइट का एक्चुअल थ्रो देखना है कितना पावरफुल है, तो इस वीडियो को आप 4K में देखो। नाइट फोटोजेस मैं अपलोड करूंगा 4K में ताकि आपको अच्छे से मालूम पड़े। तो गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूं क्लाइंट के पिकअप लोकेशन पे। क्लाइंट को इन्फॉर्म कर दिया, क्लाइंट ने कहा कि भाई 10 मिनट में रुक जाओ, मैं आता हूं एंड फिर निकलते हैं। अभी मैं जिनको लेके जाने वाला हूं गाड़ी में ना, तो क्लाइंट जो है ना वो आर्टिस्ट है, एंड अभी मैंने उनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक किया ना भाई साहब, वेरीफाई प्रोफाइल है, तो वो क्लाइंट कौन है ये तो मैं आपको अभी पता नहीं पाऊंगा, अंडर अनलेस मुझे उनसे परमिशन ना मिले तो मैं वो डिस्क्लोज नहीं करूंगा। तो देखते हैं, अगर क्लाइंट ने मान गए एंड क्लाइंट कहते हैं चलो ठीक है वी कैन टेक अ सेल्फी और आप बता सकती हो आपके वीडियो में, तो जरूर मैं आपसे वो शेयर भी करूंगा वो क्लाइंट कौन थे। मतलब मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, मैंने जब चेक किया ना नाम तो तब मुझे पता चला, बिकॉज मुझे एक्चुअली जिनका बुकिंग है ना, तो डेट और मैं सब VIP क्लाइंट से एंड सब हीरो हीरोइन आर्टिस्ट वगैरह वैसे है। तो तीनों गाड़ी में से ना हर गाड़ी में कोई ना कोई ऐसा है, बट मेरी गाड़ी में जो चाह रहे ना शी, इतना बोल सकता हूँ कि वो लड़की है एंड शी हैज अ वेरीफाइड प्रोफाइल ऑन इंस्टाग्राम। अभी गाड़ी में मैंने चारों जगह पे नेट लगा दिया है, मतलब ऑल 6 विंडोज। तो अभी वेट करते क्लाइंट के आने के लिए, टाइम बच चुका है 8:20 एंड पहुँचते मेरे को लगता है दोपहर के 4-5 बज जाएंगे। 1 घंटा ऑलमोस्ट हो चुका है यार, 9:20, अरे चलना भाई 9:15 हो चुका है, 8 बजे का पिकअप टाइम था भाई यार। अब ऐसा लग रहा है बैठे बैठे नींद आ जाएगी मेरे को, और यहाँ पे आसपास कोई चाय का टपरी भी नहीं कि जाके चाय वाय पी के हो यार। बट एनीवे चलो मैं बैठता हूँ गाड़ी में, क्या कर सकता हूँ, कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास, तो ऐसा घंटा रहता ना भाई ये सब। मैं सुबह से मेरे को जो एनर्जी लेवल होती ना निकलने की, तो भाई पता है आपको राज एंड राहुल वो लोग तो भाई कसरा घाट भी क्रॉस कर लिया। अब मुझे यहाँ से कसरा घाट पहुँचते क्रॉस तो दूर की बात है, पहुँचते कम से कम एक 3.5 घंटे लग जाएगा, क्योंकि मुंबई का ट्रैफिक चालू हो चुका है भाई। एंड थाने गोरबंदर रोड पे तो भाई जो
भयंकर ट्रैफिक रहेगा ना अभी, पूछो मत। सो कैसे, टाइम इज 2:10 एंड वी हैव कम टू मैकडी, मतलब सुख सागर में। अभी जाके वहाँ पे अपना जो बिखर बड़ा है वो खाऊंगा, एंड मैं बहुत लेट हो चुका है। गाड़ी तभी सुबह यहाँ पे पार्क की है, बहुत मतलब गाड़ी में 5 लोग हैं एंड पूरा सामान से भर गया है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिला भाई, बहुत ज़्यादा। नाउ आई हैव ऑर्डर मेंदू वड़ा एंड नॉट क्या था वो यार, नाम भूल जाता उसका मैं। बिखर वड़ा नहीं मंगाया भाई, मेरे को दही आइटम नहीं खाने का, दही खाए ना भाई बहुत नींद आती है। तो फिलहाल तो मैंने मंगाया है मेंदू वड़ा एंड ये खा के फिर फटाफट वॉशरूम जाऊँगा, फ्रेश हो जाऊँगा, मुँह धो लूँगा एंड फिर वापस निकल जाएगा टूवर्ड्स शिरडी। लोग आ चुके हैं भारत पेट्रोलियम पे एंड इसके पीछे फूड मॉल था जहाँ पर उन्होंने नाश्ता किया था एंड अभी यहाँ पे टाइम फुल करवाना हूँ। डीजल अप्रॉक्सीमेट है रेट 92.74। वही शाम के 5:40 एंड वी हैव रीच शिरडी। इफ़ यू टेक अ लेफ्ट फ्रॉम योर, यू गो टू शिरडी एयरपोर्ट रोड और शिरडी जाते हैं और यहाँ पे रुके होटल गुरुकृपा में चाय पीने के लिए, बट वी हैव टू गो स्ट्रेट टू लोनी, वी आर नॉट गोइंग टू शिरडी। अभी हम पी रहे गर्मा गर्म चाय। कल बज गए 6:30 एंड अभी हम लोग पहुंच चुके हैं होटल स्वागत है राइट एंड हमारे राहुल भाई। हाँ सर, कैसे हो? गुड इवनिंग। कैसे लगा गाड़ी का हेडलाइट, मजा आ रहा कि नहीं? वो कहाँ गया सैंड? ओ क्या, पूरा टाइम हकते रहता है यार ये। और गाड़ी की हालत देखो भाई, पूरी ब्लैक हो गई है भाई। अभी है ना, देखो राज आ रहा है यहाँ से, राज एंड राहुल भाई दोनों आ रहे हैं क्योंकि उनकी जो क्लाइंट है ना वो अभी बाहर जा रहे हैं यहाँ से, उनका जो फंक्शन अटेंड करने के लिए। तो राज एंड राहुल देखो गाड़ी लेके आ रहे हैं वहाँ से। कितना शो मारता, कितना शो मारता भाई। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे पेटिस खा रहे हैं, वो भाई तो खा नहीं रहे हैं लेकिन ले लिया है, लेकिन मैं खा लूँगा उसका। और राज भाई तो मंडी पड़े इसके। राज एंड राहुल तो चले गए क्लाइंट को लेके आगे, ज़्यादा दूर नहीं है, 5-6 किलोमीटर आगे गए हैं जहाँ पे फंक्शन है। मैंने आपको सुबह को बताया था कि सारे क्लाइंट जो है वो आर्टिस्ट है, सिंगर्स हैं, तो वो लोग अभी आगे परफॉर्म करने के लिए गए हैं। तो वो ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, हार्डली 10-12 मिनट का रास्ता है। मैं तो अभी होटल के बाहर ही खड़ा हूँ क्योंकि आज बहुत बड़ा सीन हो गया था। आज सुबह सुबह को मुझे निकलना था 8 बजे क्लाइंट को पिकअप करके, बट आपको पता है क्लाइंट आए कुछ 11 बजे, फैमिली इमरजेंसी था तो ठीक है, क्लाइंट की तरफ से सब ठीक था। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, मानो मैं जो एजेंट था हम दोनों के बीच में, मतलब मेरे और क्लाइंट के बीच में, तो उनसे मेरी कुछ मचमच हो गई एंड मैंने आज सुबह को मतलब अप्रॉक्सीमेट 12 बजे राज को एंड राहुल को फोन करके बोला दोनों गाड़ी को साइड में पार्क करते हाईवे पे, आगे जाने का नहीं पीछे जाने का नहीं, जहाँ पे खाए वहीं पे खड़ा हो जा, क्योंकि पेमेंट इशू था। फिर पेमेंट आया मेरे को, फिर उनको बोला कि आप निकलो आगे एंड विल डू इट। तो आज का दिन थोड़ा मेरा हेक्टिक वाला गया था, बट ये क्लाइंट ने मुझे सामने से कहा है कि आप रुक जाओ, आप मत जाओ मुंबई, बिकॉज हमको आपकी कार की रिक्वायरमेंट है एंड आपकी सर्विस बहुत ही बेहतर है। अभी राज का फोन आया था, राज ने बोला भाई एक काम करो आप है ना यहीं पे आ जाओ, हम लोग हार्डली 1 किलोमीटर दूर है जहाँ पे कॉन्सर्ट है, तो अभी हम लोग वहीं पे जा रहा हूँ, मतलब मैं वहीं पे जा रहा हूँ एंड वो लोग वहीं पे वेट करें मेरे लिए। नॉट इवन 1 किलोमीटर मैंने यहाँ पे मैप पे डाल दिया है, जस्ट गाड़ी चालू किया एंड बस अभी पहुँच जाऊँगा शायद। हाँ वो रहा देखो राइट में है ना सामने, आप देख सकते हो रेड लाइट, दैट इज द प्लेस वेयर वी हैव टू गो राइट नाउ। भाई अभी याद है ना हम लोग गए थे वहाँ पे, तो भाई रात में वापस आ जाओ, होटल वापस होटल आए, गाड़ी पार्क किया पीछे एंड अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए। क्या बात कर रहा है भाई, रख रहा हूँ अभी इतने दूर से आया मिलने के लिए तुमको। भाई अभी यहाँ पे एक चेंजेस है कि क्लाइंट का फ़ोन आया था, क्लाइंट ने तो बहुत रिक्वेस्ट किया था इनको, मतलब जो मैनेजमेंट थी उनको, कि भाई मुझे रौनक की गाड़ी चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट ने बोला कि भाई हमने यहाँ पे ऑलरेडी गाड़ी अरेंज कर दी है तो डबल डबल गाड़ी हो जाएगी। तो क्लाइंट ने मुझे इस बार बोला कि भाई इस बार तो नहीं, लेकिन वंस वी कम बैक टू मुंबई उसके बाद श्योर हम आपके साथ ही बुकिंग करेंगे। तो अभी फ़िलहाल तो मैं गाड़ी में सो रहा हूँ बिकॉज मेरा बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब आग भी नहीं खुल रही है सब बोलूँ तो मैं भी कुछ टाइम तक सो जाऊँगा एंड 1-1.5 घंटे के बाद मैं चेक करूँगा कुछ बुकिंग मिलता है मुझे फ्रॉम लोनी या शिरडी या नासिक से मुंबई जाने के लिए या पुणे जाने के लिए, क्योंकि कुछ बुकिंग है नहीं और मैं बहुत कम रेट में आया था यहाँ पे वो भी उल्लू बन के। तो एनीवेज गाइस छोड़ो वो सब बातें, तो सोच रहा हूँ एंड पता नहीं आग भी एकदम आँखों में लग रही है मेरे को। तो चलो गाइस 1-1.5 घंटे के बाद बात करते हैं। पार्टी अच्छा था, पार्टी ने खर्चा भी दिया ना, मेरे को भी बोला था लेकिन मैंने अपना पैसा कुछ दे दिया। भाई अभी ना राज वापस आ गया, मैं सोने की ट्राई कर रहा था, भाई साहब आके उठा के गया और किया क्या, कुछ नहीं, मतलब इधर ही खड़ा है और पान खा रहा है और क्या, कुछ किया तुमने, कुछ खिलाया मेरे को? मैं तो कब तक बोल रहा हूँ चलो वापस आके आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन नहीं, जल्दी तो कितना बोलना पड़ा तुमको, फोर्स करना पड़ा,
बेचारे का 10 रुपए का तंबाकू चुका रहे हम, सूख गया ना। ये देखो ये देखो, कितना नुकसान हुआ तुम्हारा? 10 रुपया कितना का नुकसान हुआ तुम्हारा? तम्बाकू कितना का था? 10 रुपए का तम्बाकू नुकसान हो गया बेचारे का। अरे असल अपनी गाड़ी का हालत देखो, क्या ब्लैक हो गई, और ये गाड़ी देखो टकटक है, क्योंकि उसको बारिश ही नहीं मिली और हमको भर भर के बारिश मिली है। भाई ठंडी हो या गर्मी, भाई आइसक्रीम तो जन्नत होता है। क्या बोल रहे राज भाई, है ना? बट आपको बहुत गम हो रहा है ना, आपके तम्बाकू थूकना पड़ा आपको। अभी बच गए रात की 9:45 एंड अभी मैं निकल चुका हूँ टू गो टू मुंबई, क्योंकि यहाँ पे वेट करके भाई कुछ बुकिंग मिलने नहीं वाली थी, मोम भी घर पर आती है। तो आई थॉट भाई चलो आज कम कमाया, मतलब कमाया मैंने बोला हार्डली 1000 रुपये कमाया मैं पूरे दिन इतनी मेहनत करने के बाद, क्योंकि भाई सोचा था यहाँ से भी कुछ बुकिंग लेके जाऊँगा मुंबई 6-7 हज़ार रुपये में, तो मतलब 6000 आना 6000 जाना तो मेरा जो राउंड ट्रिप का पैसा होता ना वैसे बन जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो हुआ नहीं। एंड मेरा आगे देखो रात की गाड़ी जा रही है, रात के बज के 12 ऑलमोस्ट 12। हाँ एंड भाई मुझे बहुत भयंकर नींद आ रही, बहुत भयंकर नींद, तो रिक्स नहीं उठा रहे हैं। तो मैं अभी गाड़ी पार्क कर रहा हूँ, मैं अभी आया हूँ होटल ग्रैंड परिवार, लेकिन होटल तो बंद है फुल, बट उनकी पार्किंग में हूँ, गाड़ी पार्क करके सो जाऊँगा, बिकॉज भाई सुबह को मैं उठा था कुछ 6 बजे एंड अभी हालत एकदम ख़राब है। तो अभी राहुल भाई का भी फ़ोन आ गया है। हाँ राहुल भाई, मैं अभी जस्ट सो के उठा हूँ एंड माई बॉडी इतनी हल्की लग रही है, इतना फ्रेश लग रहा हूँ ना भाई। 2 बजे का अलार्म रखा था मैंने और मैं उठा 3 बजे, मतलब मस्त नींद, मतलब मस्त नींद पूरी हो गई है भाई, मस्त नींद पूरी हो गई है। आपको भी मैं ये रिकमेंड करता हूँ भाई, अगर आप ड्राइव करते हो कोई पे भी हो, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, सिटी में, और आपको नींद आ रही है ना भाई, या तो आप ब्रेक ले लो, फ्रेश हो जाओ एंड उसके बाद ड्राइव करो, एंड फिर भी नींद होता है तो अगर आपके साथ कोई कंपेनियन है आपके यहाँ तो आप उनको बोलो ड्राइव करने के लिए, एंड अगर फिर कोई नहीं है, आप अकेले हो और कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी मत सोचो, गाड़ी पार्क करे तो कोई होटल में या रास्ते पे कहीं पे भी या टोल के आसपास सो जाओ, नींद पूरी करो भाई एंड उसके बाद ही निकलो। नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड उससे ज़्यादा सेफ्टी, तो बी सेफ एंड ड्राइव सेफ। DSC का जो हेडलाइट है गाइस 150 वॉट्स के, जो पावरफुल है भाई, मज़ा आ रहा है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ वापस, ये हाईवे पे ना बहुत खड्डे है एंड दूर का कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है मेरे को, ये मैंने हाई बीम कर दिया भाई, मेरे को दूर दूर तक एकदम क्लियर रास्ता दिख रहा है, एकदम क्लियर रास्ता। ये देखो खड्डा था, तुरंत टर्न ले सका मैं, तो भाई ये बहुत पावरफुल है एंड अभी तक भाई मुझे बहुत पसंद आया है। अभी आगे जाके है ना चालू हो जाएगा कसारा घाट, तो मैं घाट में भी ट्राई करूंगा आपको इसका फुटेज दिखाने के लिए कि ये कितना पावरफुल है एंड टर्निंग जैसी जगह पे जहाँ पे घाट से वगैरह हो तो ये कितना काम आ सकता है आपको। Oh,
ये हेडलाइट्स बहुत पावरफुल है, इतना अच्छा ब्राइटनेस आ रहा है। पहले मैं आई वॉज यूजिंग 120, तो भी मुझे लगता है कि ये 150 वाला बहुत ज़्यादा पावरफुल है एंड पूरा एरिया कवर करता है, बहुत ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। एंड इसका थ्रो तो एक नंबर है गाइस, एक नंबर। आगे पूरा फॉग ही छाया है, पूरा फॉग छाया है। अभी मैं हाईलाइट मार के दिखाता हूँ आपको, आपको पूरा का पूरा रेस दिख रहा होगा शायद वीडियो के अंदर। ये देखो, सो डैम पावरफुल यार, कितना वाइट है, मतलब एक्स्ट्रा वाइट है यार ये। आपको फॉग में भी कुछ तकलीफ नहीं होने वाली भाई, कुछ तकलीफ नहीं होने वाली है, बहुत बढ़िया चलेगा ये, बहुत बढ़िया। ये देखिए, आपको पूरा का पूरा व्हाइट लाइन सीखा है शायद। तो ये है हाई बीम का कमाल, 150 वॉट्स का कमाल भाई। डीएसी ब्रांड बहुत जबरदस्त है भाई, बहुत जबरदस्त। ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ मैं पूरा ऑफ रोडिंग मैंने राइट के दोनों टायर है ना भाई वो पूरे ऑफ रोडिंग के वादा ले रहे हैं ब्रिज का शाहपुर पे एग्जैक्ट शाहपुर में हम लोग शाहपुर पे। एंड मैं बहुत गंदा रास्ता है, रास्ता तो देखो भाई एकदम ऑफ रोडिंग। ऐसी जगह पे है ना सिर्फ थार काम आ सकती है भाई, सिर्फ थार भाई। आप नींद आने चलोगे यार, ये जाम तो इतना गंदा है भाई, हिल ही नहीं रहा था। और बैठे बैठे मुझे इतनी नींद आ रही थी ना भाई, ऐसा लग रहा है कि गाड़ी से गाड़ी वापस लॉक कर दो और अब इंजन बंद कर दो, सो जाओ यार। सही में इतना नींद आ रहा था, इतना नींद आ रहा था। सुबह के बज गए हैं 7 एंड अभी मैं पहुंच चुका हूं गोरेगांव। एक्चुअली है ना भाई, मुझे वापस नींद आने लगी थी जैसे मैंने भिवंडी पहुंचा और ट्रैफिक था तो भाई इतनी नींद आ रही थी। तो मैंने कैसे कैसे करते गाड़ी मुलन टोल क्रॉस किया एंड मुलन टोल क्रॉस करने के बाद एग्जैक्ट लेस में गाड़ी आके मैंने पार्क कर दी एंड मैं फिर सो गया, लाइक 40 मिनट्स में सो गया। एंड वही टाइम मॉम का फ़ोन आया कि भाई तू पहुँचा किधर है, तू आने वाला था सुबह को 5 बजे। फिर मैंने मॉम को बोला कि मेरे को बहुत नींद आ रही थी तो 50 किलोमीटर में गाड़ी पार्क करके सो गया था। तो मैंने बोला ठीक है, तो और भी सो जा चलेगा, कोई बात नहीं, आराम से आ घर पे। चलो अभी मैं घर पे आ चुका हूँ एंड आपका स्कूबी, उसके नीचे जाने का टाइम हो चुका है, इज वेटिंग। उसका वॉकर अभी आएगा उसको नीचे लेके जाने के लिए वॉक पे, है ना स्कूबी, गुड बॉय। तो चलो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। जो हेडलाइट जो मैंने अपग्रेड किया था 150 वॉट्स में भाई, एक नंबर ट्रस्ट में गाइस। पहले मुझे ऐसा लगा था कि 120 वॉट्स एंड 150 वॉट्स में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, बट नहीं गाइस, है बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है एंड सही में मजा आ गया आज के ट्रिप में। एंड मैं आपको हार्दिक भाई का जो उनका शॉप है रिज्यूम कलर स्टडी, उसका मैं आपको एड्रेस दे दूंगा रिज्यूम बॉक्स में, अभी भी दे रहा हूँ, आप अभी भी कांटेक्ट कर सकते हो उनको कुछ भी चीज़ के लिए। एंड इसके लिए भी अगर आपको कांटेक्ट करना है आप कर सकते हो। तो चलो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक टाइम, प्लीज़।